हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इंट्रोडक्शन टू बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा या बूलियन लॉजिक का कॉन्सेप्ट क्या है? बूलियन एलजेब्रा इज द एलजेब्रा ऑफ लॉजिक। बूलियन एलजेब्रा लॉजिक का एलजेब्रा है। एलजेब्रा क्या होता है? ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें सिंबल्स के ऊपर वर्क किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ये मेरी इक्वेशन क्या है? एक एलजेब्रिक इक्वेशन है। ओके, बूलियन एलजेब्रा डील्स विद द वेरिएबल्स दैट कैन हैव टू वैल्यूज, जीरो और फॉल्स एंड वन दैट इज टू। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा उन वेरिएबल्स के साथ काम करता है जिनकी सिर्फ दो वैल्यूज ही हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ओके, या तो ट्रू या फॉल्स, या फिर हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज द हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इंट्रोडक्शन टू बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा या बूलियन लॉजिक का क्या कॉन्सेप्ट है? बूलियन एलजेब्रा इज़ द एलजेब्रा ऑफ लॉजिक। बूलियन एलजेब्रा लॉजिक का एलजेब्रा है। एलजेब्रा क्या होता है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें सिंबल्स के ऊपर ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ये मेरी एक एलजेब्रिक इक्वेशन है, राइट? बूलियन एलजेब्रा डील्स विद द वेरिएबल्स दैट कैन हैव टू वैल्यूज। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा बूलियन वेरिएबल्स पे वर्क करती है। बूलियन वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू और फॉल्स। ओके, और आप ट्रू और फॉल्स की जगह पे वन या जीरो भी लिख सकते हैं। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा क्या करता है? उन वेरिएबल्स के साथ वर्क करता है जिनकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स या जीरो और वन। ओके, एंड ऑपरेशन डेट हैव लॉजिकल सिग्निफिकेंस, और इन वेरिएबल्स के ऊपर वो ऑपरेशन किए जाते हैं जिनकी कुछ लॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है, जिनका कुछ लॉजिकल रीजनिंग होता है, राइट? बूलियन एलजेब्रा वॉज इंट्रोड्यूस इन 1854 बाय जॉर्ज बूल। बूलियन एलजेब्रा को 1854 में जॉर्ज बूल ने इंट्रोड्यूस किया था। बूल डिवाइस अ मैथमेटिकल लैंग्वेज टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ लॉजिक। तो जॉर्ज बूल ने एक मैथमेटिकल लैंग्वेज को इन्वेंट किया जो किससे डील करती थी? लॉजिकल क्वेश्चंस से डील करती थी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कुछ एग्जांपल्स है। 13 - 2 = 11, तो ये आपसे पूछ रहा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। दिल्ली इज द बिगेस्ट स्टेट इन द इंडिया, राइट? इसका भी आप आंसर किस में दोगे? ट्रू या फॉल्स में ही दोगे। ओके, 15 × 0 = 0, तो इसका आंसर भी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट? तो ये जो आपने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। ओके, ऑल दी स्टेटमेंट्स कैन हैव ओनली वन आंसर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, राइट? जो भी स्टेटमेंट्स हैं इनका आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में होगा या फॉल्स की फॉर्म में होगा। दिस द स्टेटमेंट्स विच कैन बी डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट्स और ट्रुथ फंक्शंस। वो स्टेटमेंट्स, ओके, जिनका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उन स्टेटमेंट्स को या तो लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है या ट्रुथ फंक्शंस कहा जाता है। ओके, एंड द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, और जो रिजल्ट आता है ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उस रिजल्ट को क्या बोला जाएगा? ट्रुथ वैल्यूज, राइट? द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड एज बाइनरी डिसीजन। जिस डिसीजन की हेल्प से आपका रिजल्ट आया है ट्रू या फॉल्स, उस डिसीजन को बाइनरी डिसीजन कहा जाता है। ओके, तो बूलियन एलजेब्रा बेसिकली उन वेरिएबल्स के साथ काम करता है जिनकी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट? वो वेरिएबल या तो ट्रू वैल्यू को कंटेन करेगा या फॉल्स वैल्यू को कंटेन करेगा, या आप कह सकते हो या तो उसकी वैल्यू वन होगी या जीरो होगी, क्योंकि वन इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड फॉल्स इज कंसिडर्ड एज जीरो। ओके, बूलियन वेरिएबल्स आपको पता चल गया है, वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट? या तो वन होगी या जीरो होगी, वो क्या होते हैं? बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, राइट? बूलियन वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, वन
ओके, वन क्या है आपका ट्रू या फिर जीरो, वो क्या है फॉल्स, राइट। तो बुलियन वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी पॉसिबली दोनों में से एक वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स, ओके, या फिर आप लिख सकते हो वन या जीरो, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल वेरिएबल्स और बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स, इनको लॉजिकल वेरिएबल्स या बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स भी कहा जाता है। Since they store the result of logical statements or truth functions, okay? तो इनको logical variables या binary valued variables क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये logical statements के result को store करते हैं, okay? Now we have the truth table. Truth table क्या show करती है, जो आपके पास boolean variables होते हैं उनके combinations को show करती है, right? तो ये आपके पास एक example दिया गया truth table का, right? The number of rows in the truth table is calculated as 2^n. Truth table के अंदर कितनी number of rows होंगी, ये कैसे calculate किया जाएगा, 2^n, और n क्या है, number of the boolean variables. अगर आपके पास मान लो दो boolean variables हैं, जैसे हमारे पास x and y, यहाँ पे दो boolean variables हैं, तो इनके कितने combinations होंगे, तो ये कैसे साइड होगा, 2^2, क्योंकि आपके पास क्या है, 2 बुलियन वेरिएबल्स हैं, तो इसका आंसर आएगा 4. तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 4 हैं, राइट। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, 4 हैं, ओके। यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ रोज इन द ट्रुथ टेबल इज कैलकुलेटेड एज 2^n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ द बुलियन वेरिएबल्स, राइट। देयरफॉर इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, देन द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज विल बी 2^2 इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशंस, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल का जो आपको बताया जाएगा रियल कॉन्सेप्ट वो बाद में आएगा, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल्स आपका कॉम्बिनेशन शो करती है बुलियन वेरिएबल्स का, राइट। जितने बुलियन वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग कितने उनके कॉम्बिनेशंस होंगे, तो अगर दो बुलियन वेरिएबल्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, ओके। जैसे हमारे पास दो बुलियन वेरिएबल्स है x एंड y, अगर y एंड x दोनों की वैल्यू 0 है, तो अगर हम उन दोनों के बीच में और एंड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। अभी आपने और एंड ऑपरेटर नहीं किया है तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अभी आप सिंपल इतना देख लो, कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं, 0, 0, ओके, वाई की वैल्यू 1, देन एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू, सॉरी, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 0 एंड 1, 1, ओके। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए हैं आपके, राइट। 1 रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू एंड 0 रिप्रेजेंट द फॉल्स वैल्यू। यहाँ पे जो 1 है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 0 आपका फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइन। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके बूलियन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है तो उसे आप क्या बोलोगे, टॉटोलॉजी। इफ़ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशन, इट इज़ कॉल्ड टॉटोलॉजी, राइट। और अगर बूलियन वेरिएबल की कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, फैलेसी, राइट। इफ़ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फॉल्स और 0 फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन, इट इज़ कॉल्ड फैलेसी, राइट। तो बूलियन वेरिएबल का रिजल्ट, बूलियन वेरिएबल की कॉम्बिनेशन का रिजल्ट अगर हमेशा ट्रू आता है तो दिस इज कॉल्ड टॉटोलॉजी, एंड हमेशा अगर रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है बूलियन वेरिएबल की कॉम्बिनेशन का, दिस इज कॉल्ड फैलेसी, ओके। अब अगर आपके पास 3 बुलियन वेरिएबल्स हैं तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 8 होंगे, बिकॉज आपका क्या है, 2^3 इक्वल्स टू 8, राइट। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो 8 बनेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, सिंस x, y, z आर द 3 वेरिएबल्स इन टोटल, अ ट्रुथ टेबल इन्वॉल्विंग 3 इनपुट वेरिएबल्स विल हैव 8 रोज इन टोटल, राइट। ये तो हमें पता है कि 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 रोज होंगी। द लेफ्ट मोस्ट कॉलम विल हैव हाफ ऑफ टोटल एंट्रीज, दैट इज 4 एंट्रीज एज 0 एंड हाफ एज 1 इन टोटल। तो जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उसमें हाफ एंट्रीज होंगी 0 की एंड हाफ एंट्रीज होंगी 1 की, ओके। तो 4 जीरोज होंगे और 4 1 होंगे, फाइन। द नेक्स्ट कॉलम विल हैव नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 हाफ देन द फर्स्ट कॉलम, ओके, कॉम्प्लीमेंटिंग 8 रोज एंड सो ऑन। जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम था उसका हाफ हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे 4 जीरोस थे तो अब इसके अंदर 2 जीरोस हो गए एंड 2 1 हो गए, अगेन 2 जीरोस हो गए एंड 2 1 हो गए, राइट। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें सेकेंड जो उसकी लेफ्ट वाला कॉलम था उसका हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 जीरोस थे, अब तो यहाँ पर 1 1 0 हो जाएगा, देन 1 1 हो जाएगा, देन 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रुथ टेबल आपकी ऐसे बनेगी, फिर आप इसके कॉम्बिनेशंस बनाते रहोगे अपने ऑपरेटर्स को यूज़ करके, फाइन। तो फिर से आप देख लो, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ जीरोस होंगे एंड हाफ नंबर ऑफ वंस होंगे। तो यहाँ पे हमारे
8 रोज आनी है तो आप 4 जीरोस लोगे एंड 4 वन लोगे, ओके। देन जो नेक्स्ट कॉलम है एक्स के, जो इसके बाद का कॉलम है उसमें क्या होगा, पहले वाले कॉलम का हाफ हो जाएगा, मींस 2 जीरोस एंड 2 वंस, राइट। और फिर इसके बाद जो कॉलम आएगा उसमें भी क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 1 0 एंड 1 1, ओके, 0 1 0 1 0 1, लाइक दिस, राइट, ओके। सो दिस इज रिटन हेयर, दैट इज वाई फर्स्ट कॉलम हैज 4 जीरोस एंड 4 वंस, नेक्स्ट कॉलम हैज 2 जीरोस फॉलोड बाई 2 वंस कॉम्प्लीमेंटिंग 8 रोज एंड इन टोटल, एंड लास्ट कॉलम हैज 1 जीरोस फॉलोड बाई 1 वंस कॉम्प्लीमेंटिंग 8 रोज। तो ये यही बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम में 4 जीरोस 4 वन आएंगे, सेकेंड कॉलम में 2 2 0 2 1 2 0 2 1, लाइक दिस, एंड जो नेक्स्ट कॉलम होगा, ओके, लास्ट वाला कॉलम होगा उसके अंदर 0 1 0 1, लाइक दिस, ऐसे आप एंट्रीज करोगे बुलियन वेरिएबल्स की, ओके। तो ऐसे आपका ट्रुथ टेबल क्रिएट होगी, 3 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल, ओके। नाउ वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स और बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन एलजेब्रा में बुलियन वेरिएबल्स के साथ जिन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है उन्हें लॉजिकल या बुलियन ऑपरेटर्स कहा जाता है, ओके। ऑपरेटर्स यूज्ड इन बुलियन एलजेब्रा आर नोन एज लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स। बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एंड और एंड नॉट, ओके। अब इसको वन बाय वन आप देखेंगे। फर्स्ट वी हैव एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर डेट ऑपरेट्स ऑन 2 वेरिएबल्स। एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है जो 2 वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करता है, ओके। एंड द ऑपरेशन परफॉर्म बाय एंड ऑपरेटर इज नॉन एज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। और एंड ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वेरिएबल्स के ऊपर उसको लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है, राइट। इसको मल्टीप्लीकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखना ये मल्टीप्लीकेशन की तरह ही वर्क करता है, अभी मैं आपको शो करूँगी, ओके। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेशन और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन इज डॉट ऑपरेटर, ओके। तो इसको एंड ऑपरेटर को शो करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है डॉट ऑपरेटर। दस एक्स डॉट वाई विल बी रीड एज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स डॉट वाई को आप कैसे रीड करेंगे, एक्स एंड वाई, ओके। द रूल्स फॉर एंड ऑपरेशंस आर, एंड ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करते हो तो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, ओके, और इनके ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनके ऊपर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, ओके। 0 एंड 0, अगर 0 एंड 0 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। 0 एंड 1 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। 1 एंड 0 है तो इसका रिजल्ट क्या है, 0, ओके। जब दोनों वेरिएबल 1 1 है, ओके, तब अगर आप एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन की तरह ही वर्क कर रहा है, जब भी आप किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, फाइन, ओके। बट यहाँ पे जो लास्ट में आपने 1 एंड 1 किया है तो रिजल्ट आपका 1 आया है, राइट। Only when both x and y are 1, then x y has the result 1. तो एंड ऑपरेटर जब आप 2 वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हो तो रिजल्ट 1 कब आएगा, जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 होगी। अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट 0 ही आएगा, ओके। तो एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है उसे लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन भी कहा जाता है, इसका सिंबल डॉट है, फाइन। नाउ हियर वी हैव टू टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की आप टू टेबल कैसे क्रिएट करोगे, आपके पास 2 बुलियन वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 2, ओके। 2 रेज टू पावर 2, यहाँ पे 2 क्या है, जो आपने पार लिया वो है नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स, तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके होंगे 4, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स जो आप ले रहे हो। तो हमारे पास 2 बुलियन वेरिएबल्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके कितने बनेंगे, 4, राइट। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो 2 0 एंड देन 2 1, राइट। अब इसका हाफ कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1, राइट। अब नाउ इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करोगे, 0 एंड 0 0, ओके, 0 1 0 1 0 0, ओके, 1 1 1, राइट। यहाँ पे एंड ऑपरेटर जब आप 2 बुलियन वेरिएबल पे अप्लाई करते हो तो रिजल्ट 1 कब आता है, जब दोनों की वैल्यू 1 हो, राइट। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू 0 होगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0, राइट, ओके।
Next we have OR operator. OR operator is a binary operator that operates on two variable. OR operator भी एक binary operator है जो दो variables के ऊपर work करता है, operate करता है. And the operation performed by OR operator is known as logical addition. और जो operation OR operator perform करता है उसे logical addition कहा जाता है. जैसे AND operator जब operation perform करता था उसे logical multiplication कहा जाता था, ऐसे OR operator जो operation perform करता है उसे logical एडिशन कहा जाता है. ओके, द सिंबल यूज्ड फॉर और ऑपरेशन और लॉजिकल एडिशन इज द प्लस ऑपरेटर. तो और ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसे प्लस ऑपरेटर कहा जाता है. एक्स प्लस वाई कैन बी रीड एज एक्स और वाई. तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मीनिंग है एक्स और y. ओके, द रूल्स फॉर और ऑपरेशंस आर, जब आप और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो रूल्स कौन से फॉलो होते हैं. यहाँ पर x एंड y दो बुलियन वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो. राइट, ओके, जीरो और जीरो क्या होगा, जीरो. राइट, जब दोनों बुलियन वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो है तो आपका x और y क्या होगा, जीरो. ओके, नाउ जीरो और वन. ओके, जीरो और वन आपका रिजल्ट क्या आया, वन. वन और जीरो आपका रिजल्ट आया वन. ओके, वन प्लस वन, यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है आपका, और ऑपरेटर. वन और वन रिजल्ट इज वन. तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, ये एडिशन की तरह ही ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है. ओके, देखो जीरो और जीरो क्या होगा, जब दोनों बुलियन वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तब आपका जीरो आएगा. अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू वन है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन. या दोनों की वैल्यू वन है तब भी रिजल्ट क्या आएगा, वन. ओके, तो और के केस में आपका जीरो कब आता है, जब दोनों बुलियन वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो है. ओके, अगर किसी एक की भी वैल्यू वन है तो रिजल्ट आएगा वन, अगर दोनों की वैल्यू वन है तो भी रिजल्ट आएगा वन. राइट, वेन एनी वन ऑफ एक्स एंड वाई इज वन, एक्स और वाई इज वन. ओके, ये आपको समझ आ गया. अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं. आपके यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, टू रेस टू पावर टू. राइट, दैट इज़ फोर. अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आप क्या करोगे, आप दो जीरो लोगे, दो वन लोगे. राइट, क्योंकि फोर आपके पास वैल्यूज़ हैं जिनको आपको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में. राइट, अब और उसके नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे, उसका हाफ कर दोगे, वन जीरो वन 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 जीरो वन वन. राइट, अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और ऑपरेशन एक्स और वाई, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो क्या होगा, जीरो होगा. राइट, जीरो और वन, जीरो और वन क्या होगा आपका, वन. राइट, वन और जीरो वन, वन और वन वन. राइट, तो यहाँ पे अगर दोनों x और y में से दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू 1 है तो भी 1 आएगा, दोनों की वैल्यू 1 है तो भी 1 आएगा, अगर दोनों की वैल्यू 0 है इन डैट केस द रिजल्ट विल बी 0. ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है नॉट ऑपरेटर. द नॉट ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर. अब नॉट ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर है जो क्या करेगा, सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा. That operates on one variable, जो एक variable के ऊपर operate करता है, काम करता है. And the operation performed by not operator is known as negation or complementation. Okay, तो not operator जो operation perform करता है उसे negation या complementation कहा जाता है. Right, the symbol used for not operator is bar. Bar का symbol use किया जाता है, या complement symbol भी use कर सकते हैं. Thus x bar means complement of x. तो x bar क्या है, x का complement है. The rules for the नॉट ऑपरेशंस आर, तो नॉट ऑपरेशंस के लिए जो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं वो क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स. तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू, आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है, फाइन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बार आपने उस पर, उसके ऊपर आपने बार अप्लाई किया, मीन्स उसकी वैल्यू आपने रिवर्स कर दी, फाइन. तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. ओके, एंड अगर आपकी एक्स बार की वैल्यू वन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. राइट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज विल बी वन. जीरो का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन, या आप कह सकते हो फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ट्रू, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन विल बी फॉल्स. ओके, वन विल बी जीरो. ओके, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. अंडरस्टूड, मतलब रिवर्स हो जाएगी, नॉट के केस में आपकी वैल्यू रिवर्स हो जाती है. राइट, ओके, नाउ ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर्स. अब ट्रुथ टेबल हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है. राइट, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, टू रेस टू पावर वन, तो आपके टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे टू. राइट, अब देखो यहाँ पे आपने लिया है जीरो एंड वन. जीरो है तो एक्स बार क्या, अगर आपने जीरो लिया, एक्स की वैल्यू जीरो है तो नॉट एक्स, नॉट एक्स क्या हो जाएगा, वन. राइट, और अगर वन है तो नॉट एक्स हो जाएगा आपका जीरो.
ओके तो ये आपके क्या है, बूलियन ऑपरेटर या फिर आप कह सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आप बूलियन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हो। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।